गर्गाचार्य जी बोले हम कल करेंगे नामकरण, आज यहीं रुक जाएंगे और मैया हमारे ठाकुर जी भी साथ में आए हैं शालिग्राम भगवान, तो आप भोग बनाने के लिए सूखी सामग्री दे दो, हम अपने हाथ से बना करके ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, हम स्वयं बनाएंगे, आप हम किसी और का बनाया हुआ नहीं पाते। यशोदा मैया ने सूखी सामग्री दे दी, बोले बाबा लो प्रेम से बनाओ। गर्गाचार्य जी ने रोटी सब्जी दाल चावल बढ़िया बनाई, अंत में बढ़िया दूध अठोटा करके उसमें बढ़िया खीर बनाई और खीर बना करके केसर डाल के मिश्री डाल करके बढ़िया खीर औटा करके थाली में जैसी सजाई अपने शालिग्राम भगवान के सामने प्रस्तुत की, तो भीतर आंगन में खेल रहे गुटमुन गुटमुन चलते हैं ठाकुर जी, अभी चलना तो आता नहीं है। बलराम जी के साथ खेलते खेलते ठाकुर जी रुक गए। दाऊ दादा बोले लाला, अच्छा दोनों बोलते नहीं है, बोलना नहीं जानते लेकिन मन ही मन बात करते हैं। दाऊ दादा बोले लाला कहाँ भयो, तू रुक का गयो? बोले अरे दाऊ दादा नेक जोर से सूंघो, ऐसी सुंदर सुगंधी आ रही है, अरे केसर युक्त मिश्री डाल के बढ़िया कहीं खीर बनी है धोटी दूध की। दाऊ दादा मेरे तो जीभ में पानी आ रहा हो बहुत जोर से। बोले दादा लाला कहाँ बनी होगी खीर? बोले बाहर बनी है दादा, मैं चक्के आऊं ने। फिर ठाकुर जी गुटमन गुटमन चल के बाहर गए। गर्गाचार्य जी ने अपने ठाकुर जी के आगे थाली रखी थी, नेत्र बंद करके त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर माला जप रहे थे। इतने में ठाकुर जी गए और उनके गोपाल जी के उनके शालिग्राम भगवान के आगे रखी थाली में से खीर का पात्र उठाया और ठाकुर जी तो बढ़िया चप चप भोग लगाने लगे। गर्गाचार्य जी के जैसे ही नेत्र खुले, नेत्र खोल करके थाली देखी खीर का पात्र नहीं है, तभी नजर घुमा करके देखा तो बगल में नन्हे से गोपाल जी पूरी नाक मुंह गाल सब पे खीर लगी है और प्रेम से पा रहे हैं। बोले अरे नटखट बालक, ए इधर दो ठाकुर जी का भोग है। अरे यशोदा मैया देखियो तेरे लाला ने ठाकुर जी को भोग झूठो कर दियो, अब तो ये भोग लगेगा नहीं, दोबारा बनाना पड़ेगा। यशोदा मैया बोली बाबा आप नाराज मत होइयो, मेरो लाला ने चंचल है थोड़ा सो। अरे नहीं कोई बात नहीं भैया, हम नाराज नहीं होते। यशोदा मैया ने ठाकुर जी उठा करके भीतर आंगन में छोड़ दिए। गर्गाचार्य जी ने फिर से भोग बनायो। दाऊ दादा बोले लाला कैसी लगी खीर? ठाकुर जी बोले खीर तो बहुत जोरदारी, लेकिन जे भगत बड़ो चालू है मैया तो शिकायत कर दे खाना दे, पहले तो के आके भोग लगाओ, मैं प्रत्यक्ष जा रहा हूँ, मैया तो मेरी शिकायत कर दे। कोई बात ना लाला, तू तो भक्त वत्सल है, कृपा कर दे, चल कोई बात भूल जा बात को। ठाकुर जी अपनो फिर खेलने लगे। अब की बार गर्गाचार्य जी ने और सुंदर खीर बनाई, अब की बार ने इलायची पीस के डाल दी और ने बढ़िया सुगंधी आने लगी। भीतर क्रीड़ा कर रहे ठाकुर जी फिर रुक गए। दाऊ दाऊ बोले काबे, बोले भैया देख लो यार तुम, मैं बता रहा हूँ या पूतना वाले हाथ दिखा दूंगा या बाबा को मैं, अब की बार फिर तो खीर बनाई है जाने, और पहले तो स्वादिष्ट बनाई है और मेरा मन है रो खावे को, खावे जाऊंगा मैया तो शिकायत कर देगो। बोले कोई बात ना लाला, तू ने चक्के आ जा। ठाकुर जी महाराज गुटमन गुटमन चल करके बाहर गए और फिर से पात्र उठा के अब की बार जैसे ही पाया, गर्गाचार्य जी को अब की बार क्रोध आ गया। मैया एक काम करो, हम अपने ठाकुर जी को लेकर कहीं और जा रहे हैं, ये तुम्हारा बालक तो देखो इतना शैतान बालक तो हमने कभी नहीं देखा, बार बार आके पा जाता है ठाकुर जी का भोग। मैया बोली बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि भोग पा रहे, नहीं तो ये तो शालिग्राम जी को गुलाब जामुन समन के खा जाए। नंद बाबा तो अपने शालिग्राम जी की सेवा करें और वाके बाद ऊपर टाण पे धर के जामे कि कहीं लाला नहीं खोज ले उन्हें, या कोई यूं लगे शालिग्राम भगवान शहद में नामे तो मीठे आ गए होंगे। बाबा बहुत बड़ी कृपा है कि खीर खा रहे हो, तुम्हारे शालिग्राम सही सलामत बैठे हैं। बाबा अब के मैं आपको कमरा में बंद कर आऊंगी, आप प्रेम से भोग बनाओ। ठाकुर जी को पकड़ करके मैया ने कमरा में बंद कर दियो। अब छोटे बालक हैं तो बाहर से पूरा बंद तो नहीं किया, बस किवाड़ लगा दी। ठाकुर जी ऊपर चढ़े जंगला पे जाके खड़े है गए, वैसे घूर के देख रहे हैं। गर्गाचार्य जी बोले अब के बोला बाबा तो मैं बताऊं, और गर्गाचार्य जी भी ठाकुर जी को देख रहे हैं, बोले शैतान बालक। ठाकुर जी बोले शैतानी तो अभी तेने देखी ना है, तू बोला तो सही अब के। गर्गाचार्य जी बोले शालिग्राम भगवान क्षमा कर देना, छोटा अबोध बालक है, अब ब्रज के अनपढ़ गंवार लोग हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं, ऐसे इनके बालक हैं। ठाकुर जी बोले ज्यादा मत बोले दारी के, अब के बोला तू, अब बोल तो नहीं रहे मन मन सोच रहे। गर्गाचार्य जी ने अब की बार भोग बनायो, जैसे अपने शालिग्राम जी को पधरायो, ठाकुर जी नीचे उतरे जंगला से किवाड़ खोली और गुटमुन गुटमुन चल करके जैसे ही गए, अब की बार तो ठाकुर जी जैसे ऐलानी बन करके गए, खीर को पात्र उठाए और गोद में रखे और ले जैसी पान लगे। गर्गाचार्य जी ने एक आंख खोल करके देखा, जैसे ही दोनों आंख खोल करके देखी, नन्हे से गोपाल जी ने चतुर्भुज रूप प्रकट कर लिए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके श्री गर्गाचार्य जी को दर्शन दिया, और इतना ही नहीं स्वयं भी पा रहे हैं और उसी
अपने झूठे हाथ से ही गर्गाचार्य जी को भी पवा रहे। गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए, बोले भगवान क्षमा करो, मैं पहचान नहीं पाया आपके रूप को। भगवान बोले सुनो, हम आपको अपना रूप क्यों दिखा रहे हैं? बोले क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि कल जब आप हमारा नामकरण संस्कार करेंगे, हमारी जन्म तिथि नक्षत्र आदि के अनुसार जब अंक निकालेंगे, तो आपको पता चल जाना है कि हम परब्रह्म भगवान हैं। और कहीं उस समय आपको पता चला और आप हमको दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे और मैया से बोले मैया ये बालक नहीं है, साक्षात नारायण है, तो सब काम खराब हो जाएगा। इसलिए हम पहले ही आपको दिखा रहे हैं कि हम भगवान हैं, मैया से मत कहना, मैया को मत बताना। गर्गाचार्य जी बोले क्यों भगवान? बोले देखो, मेरा ये कृष्ण अवतार हुआ है, मैं पूरे विश्व को बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि वास्तविक निष्काम प्रेम कहते किसको हैं, और वो निष्काम प्रेम इन ब्रजवासियों से ही प्रसारित होगा। अगर आपने कहीं बता दिया कि मैं भगवान हूं, तो मैया मुझको मंदिर में ले जाएगी, दिन भर भीड़ लगी रहेगी पूजने वालों की। अभी मैया मेरा कान भी पकड़ती है, मेरा हाथ भी पकड़ती है, ये ब्रज की गोपियां सब लीला करेंगी मेरे साथ में, वो सब लीला समाप्त हो जाएगी। इसलिए अभी आप इस बात का खुलासा मत कीजिएगा कि मैं ईश्वर हूं, इसीलिए मैंने पहले ही आपको दिखा दिया अपना रूप। गर्गाचार्य जी बोले जो आज्ञा भगवान।